कि जिन्होंने प्रस्ताव जो पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट अब तक जहाँ तक अध्यापक हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, लेकिन अभी जो 1693 में से 1300 का इनको कहना है अभी ऐसा कोई प्रावधान अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसका स्वागत भी करते हैं अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो। बाकी जो गेस्ट टीचर्स जो डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट के लिए विलिंग तो मांगी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, हम जल्दी से जल्दी अगर ऐसा पॉलिसी हो तो हम इसका स्वागत करते हैं, इसको लागू कर दिया जाए। साथ साथ एक मेरा क्वेश्चन है इसके संदर्भ में, साथ साथ ही जो पीजी टीचर की 2019 में भर्ती की गई का विज्ञापन दिया किया गया था, उसके बाद 2022 में उसको HSC से HPSC में तब्दील कर दिया गया और HPSC तब्दील करने के बाद अब फरवरी में उन्होंने विज्ञापन दिया था उसके एग्जाम होंगे, अब उसको चेंज करके उस पॉलिसी को भी चेंज करके उन्होंने पहले ऑब्जेक्टिव था अब उसको ऑब्जेक्टिव से मोरल वो कर दिया गया, तो उसने ऑब्जेक्टिव से अब रिटर्न में कर दिया गया, उनकी जो तैयारियां थी वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप से थी, अब उनका जो रिटर्न टाइप रखा गया तो उनकी ये मांग है स्पीक साहब के माध्यम शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा, उसको जो बच्चों तैयारी 19 से उस लगातार उस तैयारी में लगे हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, अब उन्हें उनको रिटर्न में कर दिया गया, अब उस तैयारी ऑब्जेक्टिव की तो रिटर्न में कैसे किया, मार्च में उनको डेट है विज्ञापन डेट रखी गई है, तो मेरा आपसे अनुरोध आपके माध्यम से वो पीजी टीचर की बात को मद्देनजर रखते हुए उस विज्ञापन को चेंज करके उस जो भी डेट डेट का हमें कोई नहीं, सरकार जिस टाइम चाहे जिनको फिजिबिलिटी जिस है जिनको सहूलियत है उसके अनुसार एग्जाम लें, लेकिन जो